जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हम यहाँ पर सिल्वर के बारे में, क्या होने की संभावना है उसके बारे में देख लेते हैं। कल जो है वो काफ़ी बड़ा करेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। अब आज जो है दोस्तों हो गया वेनसडे, मंडे के दिन जो है वो हमने एक चर्चा करी थी कि 92,600 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो एक करेक्शन की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 2 दिन के अंदर लगभग लगभग 4,300 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, मंडे की बात है, 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। कल भी जो है वो एक चर्चा करी थी कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सावधान रखने वाले लेवल क्या हो सकते हैं। एक बार जो है वो आपको वो कल वाला सुना देता हूँ, सुनाना जरूरी क्यों है वो बता देता हूँ, ताकि आप जो है वो दोस्तों एक चीज समझो, मेरा YouTube पर आने का मेन मकसद क्या है। ये सारी चीजें जो है वो आप खुद भी एनालिसिस कर पाओ, आप खुद भी सीख पाओ, ये मेरा मेन जो है वो टारगेट है कि आप इसको समझो, मार्केट को सीखो, इसको सट्टे बाजारी मत बनाओ, ठीक है। ये चीज जो है वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कल जो है वो काफी बड़ा करेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी हमने बात करी थी कि 96,000 के आसपास जो है वो हो सकता है यहाँ से एक तेजी, मतलब छोटे मोटे जो भी लेवल होते हैं वो आपने सुने होंगे तो आपको ध्यान होगा ही। लेकिन ये एक लेवल जो ऐसे बड़े फॉल के अंदर दोस्तों, ये जब तक आप ये रूल नहीं पढ़ोगे ना, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में हर बार जो है वो 5-10 सेकंड ये रूल के ऊपर रखता हूँ। ये रूल शांति से पढ़ लो, समझ लो, और जब तक सीखोगे नहीं, एक मेरी बात याद रखना, तब तक मार्केट परेशान करेगा, मार्केट आपको विश्वास जो है वो नहीं होने देगा, ठीक है। और हम यही चर्चा करते हैं सीखने के ऊपर। कल का जो है वो एक बार देख लेंगे, यहाँ से एक बड़ा जो सपोर्ट निकल के आता है दोस्तों, वो कुछ आता है 90,100 के आसपास, ठीक है, 90,100 के आसपास जो है वो एक ब्रॉडर बड़ा मेजर सपोर्ट रहेगा। उसके अंदर छोटे छोटे जो सपोर्ट है वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। उसके ऊपर आता है कुछ 90,500 का लेवल, 90,500 के ऊपर आता है कुछ 91,000 के आसपास का लेवल, ठीक है। 91,000 से 90,000 का जो लेवल था, 90,100 के आसपास, वो एक बड़ा लेवल था। तो 91,000 से मेन जो है छोटे छोटे लेवल भी चर्चा करी थी, कल जो है वो काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया। तो 91,000 का लेवल भी अगर मैं पकड़ूँ तो इंट्राडे के अंदर ही लगभग लगभग 2,700 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है, ठीक है। यही चीज़ें हैं दोस्तों, सीखिए, समझिए, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। बाकी जब तक आपकी किस्मत में नहीं होगा, जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो प्रॉब्लम है। हम पीछे भागते हैं पैसों के, पैसा मतलब क्या, माँ लक्ष्मी, ज्ञान मतलब क्या, माँ सरस्वती, ठीक है। तो अगर आपके पास माँ सरस्वती की कृपा है तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बन जाएगी। आप में जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, पैसा भरपूर होता है, लेकिन कई बार माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती। ऐसा एक भी इंसान नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयरली, कि जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो और माता लक्ष्मी की ना हो, ठीक है। अगर गलत हो मेरी बात तो लिख के बताना, और अगर सही हो तो आप जो है वो अपनी राय भी कमेंट के अंदर जो है वो जरूर जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। बस उसी के जो है वो आधार पर जो है वो ये सारी चीज़ें हैं जो भी मैं समझ पाया हूँ, मार्केट से मित्सु क्या है, 6-7-8 का नियम क्या है, बीबी का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए, सीखिए। नवरात्रि तो दिवाली ऑफर है, ऑफर का फ़ायदा उठाइए, फिर जो है वो रेगुलर थोड़े से प्राइस बढ़ सकते हैं, उसकी भी जो है वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो थोड़ा 3-4 मिनट इसके बारे में चर्चा हो गया है, तो अब फटाफट वीडियो शुरू कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो मन में रहता है कि थोड़ा निकालना है बात है, क्योंकि आप जो है वो कई बार क्या होता है ना कि बोलने के बाद भी आप समझते नहीं हो, बहुत बार इसके लिए ये कभी कभार हो जाता है। तो अब सपोर्ट क्या रहेगा वो फटाफट बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से बताने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान रखना 87,650 से 88,100 के आसपास जो है वो अब एक सपोर्ट का रेंज जो है वो अब मेरे ध्यान में, अभी मुझे लगता है कि ये रखना चाहिए। अगर ये सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक करेगा तो करेक्शन आगे नया बढ़ सकता है। बाकी यहाँ पर जो है वो एक टेम्पररी उछाल देखने को मिल सकता है, क्या ये उछाल नई तेजी में कन्वर्ट हो पाएगा वो समय बताएगा। लेकिन जब तक ये लेवलों के ऊपर है, ये जोन के ऊपर है, तब तक अब हमें शॉर्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अच्छा एक ठीक ठाक बाउंस हो सकता है 89,340 के ऊपर, उसके ऊपर 89,800
90,300 और 91,100 ये ऊपर के जो लेवल है वो आपको बताने की कोशिश करी। अगर ये 87,650 नीचे काटता है तो फिर करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये जो दोनों लेवल है वो काफ़ी बड़े लेवल है, वहाँ पर आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना। गोल्ड के अंदर भी बात करी थी वैसे, जो है वो कल भी चर्चा किया था कि 76,300-400 के आसपास जो है वो एक बड़ा लेवल है, वो लेवल ऊपर कटेगा तभी जो है वो कुछ संभावना है। तो गोल्ड के अंदर जो अभी सपोर्ट है, छोटे छोटे सपोर्ट इसमें बहुत ही है। तो एक तो कल वाला लो 850 के आसपास है, अगर ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करे तो नीचे में जो है वो 74,500 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे 74,000, ये कुछ बड़े लेवल जो है वो अभी हमें ध्यान में रखने चाहिए। बाउंस लेने के लिए, क्योंकि अभी तो वर्ड दोस्तों मैं बाउंस ही यूज़ करूँगा, बाउंस लेने के लिए 75,325 के ऊपर चलता है तो थोड़ा सा बाउंस लेने की उम्मीद है। अगर वो लेवल ऊपर काटता है तो 75,550, 75,800 ये कुछ लेवल है। कल भी इसमें एक लेवल चर्चा किया था 75,775 के आसपास, जो लगभग मुझे याद है तब तक 2 दिन से वही सपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, और वो लेवल कटने के बाद गोल्ड में भी लगभग लगभग 900 पॉइंट का करेक्शन जो है वो हो चुका है। तो थोड़ा सा दोस्तों सीखिए समझिए, बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो यहाँ पर आके बताऊंगा तो भी जो है वो जब तक आपकी किस्मत में नहीं होगा मैं ये मानता हूँ। हाँ कभी कभार तुक्का सच हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना, तुक्का जो है वो सच हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होगा, लेकिन ज्ञान होगा तो ज़रूर आपको हर बार जो है वो फायदा हो सकता है। डॉलर टर्म में बात कर लेता हूँ, 30.80 का जो है वो नज़दीक का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर 31,04 31,30 के जो है वो बड़े लेवल रहेंगे, इसके ऊपर चलता है तो कुछ जो है वो बाउंस हो सकता है। अब जब तक ये कल वाला लो ना टूटे 30.10 के आसपास, तब तक थोड़ा सावधान रहना। बीच में एक छोटा लेवल आता है 30.40 के आसपास, लेकिन 30.11 का लेवल जो है वो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा डेंजर जोन में जा सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, ऊपर की जो है वो बात कर लेता हूँ यहाँ पर अभी डॉलर टर्म के अंदर गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर भी अच्छा खासा डॉलर टर्म में भी करेक्शन हो चुका है, तो गोल्ड के अंदर कल वाला जो लो है वो हम सपोर्ट मान के चलते हैं। अगर ये लेवल के नीचे चलते हैं तो 2,595 2,580 ये दो बड़े सपोर्ट रहेंगे। जब तक अब कल का लो ना ब्रेक करे तब तक थोड़ा सावधान रहना, कल का लो ब्रेक कर दे तो तेजी से दूर हो जाना, फिर जो है वो थोड़ा सा स्पीड से करेक्ट हो सकता है। अब बाउंस लेने के लिए उसको 2,630 के ऊपर चलना जरूरी है, 2,630 के ऊपर चलेंगे उसके ऊपर रुकेंगे तभी गोए जो है वो अच्छा बाउंस तेजी होने की संभावना है, ऐसा मुझे अभी प्राइमरीली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। अब बात कर लेता हूँ एनजी और क्रूड के बारे में। लाइक का बटन भी दोस्तों बीच बीच में दबाते रहना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जो है वो हम प्रयास तो करते हैं कि आपको थोड़ा सा जितना समझ पाते उतना बताने की कोशिश करते हैं। कल भी एक लेवल चर्चा किया था यहाँ पर एनजी के अंदर 227.50 के आसपास, 227.50 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा करेक्ट हो सकता है, तो लगभग वही लेवल के आसपास 27.30 के आसपास जो है वो छोटा सा लेवल लेके जो है वो अच्छा बाउंस लिया 5-6 पॉइंट के आसपास। तो बड़ी तेजी होने के लिए जो है वो उसको पहले तो 237 के ऊपर चलना जरूरी है, अगर 237 के ऊपर चल पाते तभी कुछ अच्छी तेजी होगी, जब तक उसके नीचे तब तक प्रॉब्लम है। 227 काट के नीचे चलता है तो ये करेक्शन थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात कर लेता हूँ क्रूड के ऊपर, तो क्रूड के अंदर तेजी होने के लिए 6,250 ये लेवल ऊपर काटना जरूरी है, अगर उसके ऊपर चलते तो 6,300 6,345 6,400 ये ऊपर के बड़े लेवल है। बड़े लेवल यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा ब्रॉडर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल है। 6,110 ये लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, अगर ये लेवल कटता है तो थोड़ा करेक्शन बढ़ सकता है। 60-60 60-20 और 5,975 ये नीचे के जो है वो अहम लेवल रहेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये वीडियो दोस्तों करता हूँ पूरा समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सीखने पर जरूर ध्यान देना, बाकी आपकी इच्छा है, हम तो यहाँ पर जुड़ते रहेंगे मिलते रहेंगे, जितना मेरी समझ है उतना आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो में बने रहे उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।